इस वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी गृहस्थ व वैष्णव जनों के लिए विशेष योग लेकर आई है। जन्माष्टमी पर कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह जन्माष्टमी व्रत उपवास रखने वालों को विशेष सिद्धि प्रदान करेगी। दो दिवसीय जन्माष्टमी में जया सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है। गृहस्थ जन 11 अगस्त को जया सिद्धि योग में व्रत रखेंगे। यह योग श्री कृष्ण की उपासना के साथ सर्वत्र जय कराने वाला योग है। इस योग से उपासक को सर्वत्र विजय मिलती है। जबकि 12 अगस्त की जन्माष्टमी वैष्णव जनों को सर्वत्र सिद्धि योग प्रदान कर रही है। इस योग के प्रभाव से साधक की सभी कामनाएं पूरी होती हैं। इस वर्ष की जन्माष्टमी में एक और विशेषता है। संप्रदाय विशेष के वैष्णव जन 13 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। आचार्य संदीप शुक्ला ने बताया कि रोहिणी नक्षत्र मतावलंबी 13 अगस्त को व्रत रखेंगे। इस दिन उदयकालिक रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है। राधे राधे। जैसा कि आप लोगों को अवगत है जन्माष्टमी के विषय में, जन्माष्टमी इस बार 11 अगस्त और 12 अगस्त को मनाई जा रही है। स्मारकों के लिए यानी कि गृहस्थों के लिए 11 को और जो है वैष्णवों के लिए 12 अगस्त को मनाई जाएगी। कुछ मत ऐसा भी है कि रोहिणी जब मिले तभी अष्टमी मानी जानी चाहिए, परंतु इस बार का जो जन्माष्टमी का पर्व है उसमें रोहिणी नहीं मिल रही है। रोहिणी नवमी को मिल रही है, तो कुछ जो है वैष्णव मतावलंबी जो हैं वो 13 को भी मनाएंगे, परंतु उसमें कुछ ही मनाएंगे। सब जो है वैष्णव 12 को ही मनाएंगे और गृहस्थ लोग 13 को मनाएंगे। इसमें भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है और पंचामृत आदि से स्नान करा के अभिषेक आदि करा के भगवान का श्रृंगार पूजन आदि किया जाता है और व्रत रखा जाता है। भगवान को भोग आदि लगाने की परंपरा है। आई इंडिया के लिए सीतापुर से अविनाश चंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।